वाहिगुरु जी की फतेह जी। आप सब तक अज का घटनाक्रम पहुँच गया होगा और श्री अकाल तख्त साहब तो जो मेरे बारे आदेश जारी होया है वो भी सारे तक पहुँच गया होगा। मैनू आदेश सिर मत्थे पवाण, असी वो शख्स हैं जिहड़े श्री अकाल तख्त साहिब नूं परनाए हुए, सिख मर्यादा नूं सिख रौह रीतां नूं परनाए हुए। भावें कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, उस सिद्धांत का भी धारनी है, पर अपने आप ते इस गल का भी माण है कि सतगुरां ने सिखी की दात बख्शी है, सिखी सिद्धांत बख्शिया है, सिखी ते चलण दी शक्ति बख्शी, ते सच बोलण दी अज ही नहीं जदों तो होश संभाली है वो भी शक्ति बख्शी। और जेड़ा मेरे बारे फैसला किया गया है कि श्रोमणी अकाली दल की लीडरशिप मैनू 10 साल लई श्रोमणी अकाली दल की मुढ़ली मैंबरशिप को खारज कर देवे, श्री अकाल तख्त साहब का हुक्म है, पंच सिंह साहिबान का हुक्म है और श्री अकाल तख्त साहब दे हुक्म नू अकाली दल हमेशा ही प्रणा के चलता रहा, मन के चलता रहा है। और मैं अज अकाली लीडरशिप नू किसी धर्म संकट विच नहीं पाना चाहता, क्योंकि अकाली लीडरशिप मैनू बहुत प्यार करती है, बहुत माण दिंदी है और अज भी हो सकता है कि उन्होंने बहुत वड्डी मानसिक तौर पर सट वजी होवे, पर श्री अकाल तख्त साहब दे हुक्म नू वह हमेशा स्वीकार करनगे। पर मैं पार्टी कोई कदम चुके या अकाली दल की लीडरशिप कोई कदम चुके उस तो पहला मैं अपने तौर पर ऐलान कर देना चाहना या बेनती कर देना चाहना है कि मैं अकाली दल की मुढ़ली मैंबरशिप तो अस्तीफा दिंदा, पर मैं नाल ही स्पष्ट कर देना चाहना है कि मैं अकाली हाँ, मेरिया रगां च अकाली खून दौड़दा है, मेरे च दमदमी टकसाल की सोच दौड़ती है, मेरे च संत बाबा जरनैल सिंह दी ओ जिहड़ी अणख ते गैरत वाली सोच सी वो दौड़दी। ठीक है कि मेरे बारे अज अकाली दल नूं लैके फैसला कर दिता गया, पर मैं बेनती करूंगा कि मेरे विचों अकाली दल कढ किवें दिओगे। मैं हमेशा श्री अकाल तख्त साहिब नूं समर्पित रहने वाला सिख हां और मैं सारे सिंह साहिबाना का दिल तो सत्कार करता, पर मैं ही नहीं, हर सिख चाहता है कि साढ़े जिहड़े जथेदार साहिबान ने वो साढ़े सिद्धांत ते साडी मर्यादा ते दृढ़ता दे नाल फैसला दे। और मैं भी कुदरती है कि उस सिख समाज चो है, पर जो कुछ भी पिछले दिनी घटनाक्रम चलिया है, एक वर्तारा चलिया है, मैं नहीं कहता कि मैं सही हूं, पर जे मेरे कोई अवग्या हुई है ते उस अवग्या का नितारा किते तो बिना
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਅਵੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਡ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਹਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੇਢ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ 'ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੱਤਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੱਤਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਦਮਗਜੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚਰਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਾ ਹਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਵਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਹਿਸ਼ ਚ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗਏ ਨਾ,
मैं यही गलत मैं साबित करना चाहना है कि साढ़े जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दी बीजेपी दे नाल ते केंद्र सरकार दे नाल सांझ है। तो मैं फिर बाकी सिंह साहबान नूं सवाल किया, बेनती की थी। तो मैं कहा सिंह साहबान तुसीं बड़े चिर तों जथेदारियां हंडा रहे जे, पंथक सभा च मोहरी जे, तुहानूं कदी किसे होर पार्टी का फोन आया होवे जां तुहाडे नाल किसी ने संपर्क किया होवे, तुहाडे नाल अमित शाह वर्गियां ने कदी संपर्क करन दी कोशिश कीती होवे, किसे नाल भी किसी भी हम राजनीतिक पार्टी के वड्डे तो वड्डे आगू ने तुहाडे नाल किसी ने संपर्क करन दी कोशिश कीती होवे जां होया होवे, वो कहिंदे नहीं। तो मैं कहा ये सारे जिहड़े संपर्क है, ये सारियां सांझां जिहड़ियां ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दीआं क्यों है? तो मैं क्या मैं आपके स्पष्टीकरण भी स्पष्ट किया है कि इन्होंने लगभग 2 साल पहला भी कहा कि मेरे उत्ते बहुत बड़ा दबाव है, अजे रुक जाओ। हुण जिहड़ी मैं गल जिहड़ी स्पष्ट करना चाहना है, मैं बाकी सारे सिंह साहिबान के चरणों च सीस झुका के भावें कि अज मुख रूप च ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरी मीटिंग दे विच डोमीनेट कर रहे सी, उन्हां दी कोशिश सी कि मेरे जवाब भी ना रिकॉर्ड हो सकन, ते जो कुछ वो बोलना चाहते आ वो सारा कुछ रिकॉर्ड दे आ जे। पर मैं फिर भी महसूस करदा कि जो कुछ भी मैं उस मर्यादा नूं मुख रखदे होया जवाब दिते ने जां सिंह साहिबान नूं बेनतियां कीतियां ने, ते मेरियां उन्हां सारे दे विच बहुत मर्यादा दे अनुसार दलीलां ने, और जिहदे विच ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरी जिहड़ियां अवग्यावां उन्हां कोल होईयां, मैं अवग्यावां कहूंगा कि चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री सी अक्तूबर 2021 दे विच उन्हां दे बेटे दी जिहड़ा पतत सीगा उहदे शादी दे विच शामिल हुंदे ते उहदे आनंद कारज की अरदास करदे आ, ये अपने आप च एक धार्मिक अवग्या आ, एक मर्यादा की उलंघना है जथेदार साहब वालों। तो मैं सवाल किया, मैं कहा जी मर्यादा की उलंघना मने मन गए कि हाँ हैगा, तो मैं कहा दसो फिर की किया? अंदर चन्नी नाल मेरा प्यार है, चन्नी नाल मेरी सांझ है, पर मैं हैरान सीगा कि चन्नी जिहदे उत्ते ये दोष ने कि एक लेडी ऑफिसर IAS ऑफिसर दे नाल जिहदे मीटू दे चर्चे चले, तो साढ़े जहदर होरां दी उन्हां दा सांझ नाल, और वो पार्टी जिन्हें श्री अकाल तख्त साहिब दे उत्ते हमला किया उहदा मुख्यमंत्री दे नाल इन्हां दी सांझ है। तो मैं कहा जी तुहानूं मैं कहा जथेदार हुंदिआं यह महसूस ना होया कि श्री अकाल तख्त साहिब नूं ढौ ढह ढेरी करन वाली कांग्रेस दे मुख्यमंत्री दे विआह दे विच शामिल हो रहे ने? चलो होर बहुत कुछ होया, पर मैं जो साबित करना चाहुंदा सीगा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दी बीजेपी दे नाल केंद्र सरकार दे नाल अमित शाह दे नाल जां होर जिहड़े सत्ताधारी तिरहरियां ने उहनां दे नाल सांझां दा जिहड़ा ऐ वेरवे दे नाल सारा कुछ मैं जिहड़ा आ उह साबित करता जिहड़ा कि उस वीडियोग्राफी दे विच शामिल है। तो मैं बेनती करता है सिंह साहिबान कि वह जिहड़ी वीडियोग्राफी की गई है जिहड़ी रिकॉर्डिंग की गई है वह जनतक की जाए, क्योंकि मीटिंग शुरू होंदे ही मैनू यह कहा गया सीगा कि असीं वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो असीं इहनूं प्रैस नूं रिलीज़ करांगे, और मैं बेनती करना कि वह प्रेस नूं रिलीज़ कर दिती जाए। एक जिहड़ा अज यह प्रभाव देने की कोशिश की गई है कि जे मैं सिंह साहिबान नूं 11 अक्तूबर नूं जथेदार ज्ञानी रणवीर सिंह होरां नूं उन्हां दी रिहायश ते मिलिया सी, तो मैं सुखबीर सिंह बादल नूं सज़ा तों बचाउण वास्ते मिलिया सी, कदाचित अजिही गल नहीं, एक तरह का मैं यह कह लवा कि मेरे मैनू हुण शब्द नहीं लभदे
कि मैनू ऐ जब तक जिवें आ शब्द वरत लिया तो कितने वह गैर मर्यादा वाले ने हो जाए। सिंह साहबान यह नहीं चाहिए कि वह संगत को गुमराह कर दे कि विरसा सिंह मलटोहा इस गल का मैती सीगा कि सुखबीर सिंह बादल को सजा ना दी जाए। जबकि मैं अज भी किया अपने या पोस्टा दे विच भी किया मीडिया बयान दे विच भी किया कि सुखबीर सिंह बादल को वग्या होईयां ने जिहदा मैं भी गवाह हां ते डीजीपी सैनी लाउणा इजहार आलम नूं टिकट देना भावें उहदे पिछे बीजेपी ते ढींसा सुखदेव सिंह होरां दा रोल सीगा पर उहदे च दोषी सुखबीर सिंह बादल सीगा ते उहने अवग्या कीती है ते होर वी जिहड़ियां उहने कीतियां है उहदे वास्ते उहनूं सख्त तों सख्त सज़ा जिहड़ी अज तक सिख इतिहास विच ना दित्ती गई होवे उह दित्ती जावे। मैं कहा मैनूं कोई इतराज़ नहीं मैं चाहुणा पर मैं एक गल जरूर कीती सी कि वेख्या जे कितें अकाली दल दा नुकसान आ गया वह मैं पहलों में कहता सी हाँ जी मैं अपनी पोस्टा च भी किया मैं मीडिया च भी किया आ मैं जथेदार साहबान भी मिल के बेनती की जी थ्रैट वाली गल की जाती है कि धमकी दी गई तो जथेदार साहब की जी रिकॉर्डिंग हुई वीडियोग्राफी हुई उन्होंने खुद किया कि बड़े खुशगवार माहौल के बड़े हासे ठठे के जी सारी गलबात हुई है हूँ की रंगत देनी है किस रूप च रंगत देनी है तो जथेदार साहबान वो समर्थ ने। मैं बस इन्ना कहना चाहना है कि मैं किसी तरह का कोई अजिहा कदे भी सुखबीर सिंह बादल दे हक दे विच कि उन्हूं सज़ा ना दिती जावे जां घट दिती जावे मैं अज भी मदई हाँ कि उन्हूं धार्मिक दंड जिहड़ा है जिहड़ी उन्हें अवग्या कीती उहदे मुताबिक सख्त तों सख्त दिता जाए पर मेरी को मंग सी कि छेती दिता जाए क्योंकि उन्हां दी बेटी की शादी रखी हुई है। और मैं अज महसूस करता है कि एक सिग्नल है अज विरसा सिंह मलटोहा के विरुद्ध जिहड़ा आदेश जारी किया गया जिहड़े मैं खदशे प्रगट करता सी जां अकाली दल खदशे प्रगट करता सीगा उहदा एक सिग्नल ते एक सूचक है कि अकाली दल दे विरुद्ध ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी होरां दी जो नीति है उहनूं जिहड़ा आ अमली जामा पहनाउणा जिहड़ा आ उह शुरू कर दिता गया। और देखो मैं संत जरनैल सिंह होरां दी संगत कीती है उन्होंने समय भी जथेदार साहबान ने कुछ इस तरह के हुक्मनामे जारी किए थे जिन्होंने जिन्हों के उत्ते उन्होंने बड़ा ठोकवा इतराज़ किया बड़े सख्त शब्दों के इतराज़ किया असी तो फिर निम्रता नाल गल करते हैं जथेदार साहबान ने साडे सत्कारयोग ने असी राय तो दे सकते हैं ना एक सिख होने के नाते और जे तो मेरे च कोई कमी है मेरे सिखी जीवन च कमी है मेरे कौमी फर्जा प्रति कमी है तो जे मैं केवल तो केवल कला राजनीतिक है हाँ जी तो फिर तो मेरे तो इतराज कर सकते जी। विरसा सिंह मलटोहा वो है जिहड़ा अज भी गुरु के आशे के अनुसार संत बाबा जरनैल सिंह की दिती हुई सोच के मुताबिक चलता है। ठीक है कि मैं महसूस करना कि उन्हों का बहुत वड्डा रुतबा सी बाबा जरनैल सिंह होरां दा अहीं उन्हां दे विस्की उन्हां दे पैरां दी धूड़ वर्गे नहीं पर उन्होंने कहा सी कि जिथे भी कितने मर्यादा का काम होवे जिथे भी कितने सिखी सिधांत की उलंघना होवे जिथे कितने भी कौमी नुकसान होवे ते उत्थे चुप नहीं रहना चाहे अगले बंदियों वड्डी तो वड्डी हस्ती भी होवे। चलो मैं गुनाह कर लिया कि मैं जथेदार साहबान बारे जिहड़ा है ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां बारे जिहड़ी इह गल अपनी कर दित्ती पर मैं दरबार साहब दे अंदर खड़ के भी गुरु तों डर के इह कहिण लई तैयार हाँ कि अज ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने अपनियां सारियां कमजोरियां भी स्वीकार कीतियां हाँ जी जिहड़ियां बीजेपी नाल केंद्र नाल अमित शाह नाल जां होरां नाल सांझा ने उह भी स्वीकार कीतियां ते जे उहनां दीआं सांझा ने इधर तुम अकाली दल प्रति नफरत तो यह रख दे जे तो फिर कितने जावे जी किसे को आस करांगे मैं बाकी सिंह साहबान दे नाल किसी भी तरह का कुछ नहीं ना उन्होंने उन्होंने अज दिया मैं गलों तो कोई जापया है हाँ जी उन्होंने सवालों तो कोई जापया है अज केवल तो केवल जो डोमीनेट किया है तो तलखी डोमीनेट किया जिड़ी कि वीडियो बहार आनी चाहिए जिसे अपने आप ही सिख संगत को पता लग जू
कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दा जो रंग की सीगा, उन्हां दा तरीका की सीगा, उन्हां दा सरीका की सीगा, किस रूप च एक तख्त नूं जिथे एक गुरु दा सिख पेश होया सीगा ते उहदे नाल किस तरीके दे नाल ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां नाल वर्ताव किया जा रहा सीगा। कि मेरे जिहड़े सवाल उठाए ने, जां भाई गुरमन सिंह राजवाना ने जिहड़े सवाल उठाए सी, जां जिहड़े ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां बारे सवाल उठते ने जिन्हां नूं स्वीकार भी करते ने, तो फिर किस गल ते भड़का मारदे ने। मैं तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बेनती करूंगा, बेनती मननी तो तुसा है नहीं, जे कौम बचाउणी है तो अजिहे जथेदारां तो बचाओ। नहीं लोड़ इहो जिहे जथेदारां दी, ज्ञानी हरप्रीत सिंह वर्गियां दी, ज्ञानी रघबीर सिंह वर्गे जिहड़े निम्र सुभाअ दे ने, जिहड़े गुरमुखताई ने, जिहड़े सिधांत दे उत्ते चलण वाले ने, जिहड़े जपकी सिंह साहिबान ने, वाकई उन्हां तों कौम नूं आस हो सकदी ज्ञानी हरप्रीत सिंह वर्गियां तों कौम बचाउण दी लोड़ है। मैं अज सारा आपदा स्पष्टीकरण जी दे विच सारा वेरवा दिता लिखती, और नाल ही जिहड़े असी साडे कोल डाकूमेंट सीगे जिहड़े उन्हां दीआं सांझां दे जां उन्हां दे अकाली दल दे विरोधी होण दे, वह अज एक पेन ड्राइव दे विच पा के उन्हां नूं दित्ते सीगे, उन्हां ने रख लिया। हाँ जी, उहदे बावजूद मेरा ख्याल है कि पहलों ही फैसला करके आए सीगे, मैं अजे मगर बाहर मगरों निकल आया तो फैसला पहलों सुना दिता गया है, तो फैसला तो मेरा ख्याल पहलों करके लिया सीगे। तख्त दे उत्ते सिंह साहिबान पक्ष सुन तो बाद फैसला करना चाहिए, तो जे मेरे रखे हुए पक्ष के कोई कमजोरी है। हाँ जी, अजे तो मैं फिर भी क्या सिंह साहिबान फिर मैं लिखती तौर पर दे गया कि जो मेरे कोई अवग्या हो गई हो गए, हाँ जी मैं वो माफी मंगता है, पर नाल ही मैं क्या कि मैं हमेशा ही धार्मिक मर्यादा के उत्ते पैरा दिंदा रहूंगा उस क्षमा याचना के विच भी। सो मेरी संगत दे नाल यही सांझ है। बाकी मैं पंथक सोच वाला हाँ, सिखी सोच वाला हाँ, जिथे सिखी की गल होगा उत्थे करूंगा भी, भावें जथेदार बथेरिया रुकां लाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने विरुद्ध जिस तरह किसी समय समय पंडतों के जां ब्राह्मणों के विरुद्ध गल करने वाले में गुनाह गल समझा जाता सीगा, तो जे अज साडे उही गल हो गई विरसा सिंह बटोहा च कमी तो कढ़ो यार। हाँ जी, तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जे उन्होंने सारे तख्त चलाने हैं, उन्होंने कल्या ने फैसले करने हैं, तो फिर कौम का रब रखा, तो मैं जथेदार साहिबान का किया होया हुक्म जिहड़ा है उन्हें सिर मत्थे प्रवान करदा हाँ, तो अकाली दल की लीडरशिप में कहना कि तुसीं धर्म संकट च ना फसा जे। मैं अपने आप में मुढ़ली मैंबरशिप तो अपने आप में अकाली दल तो लांभे करदा हाँ। बाकी मैं पता है कि तुहाडे मन च मेरे प्रति की सोच है, तुसीं मैनूं कितना प्यार करदे जे, कितना वड्डा तुहानूं मेरे ते माण है, पर मैं अज दे वर्तारे करके ये सारा कुछ साझा कर रहा है। गलती हो गई हो माफ करना। सिंह साहिबान ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां नूं छड्ड के बाकी किसे सिंह साहिबान दे शान दे विरुद्ध कोई शब्द बोलिया गया होवे, मैं उहदा खिमा दा जाचक हां।